चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधि। देखिए कॉन्सेप्ट तो डेली होता है और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट अब आने लगे हैं, लेकिन डेली हमारे नए साथी जुड़ते हैं, सभी को कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि भाई जो विदा पीपल है, समन संघ है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमारे इसका उद्देश्य क्या है, विचारधारा क्या है, तो वो बतानी बहुत जरूरी है। मैं कॉन्सेप्ट की शुरुआत बाबा साहब के एक संदेश से करता हूं, जो कि बाबा साहब ने कहा था कि मैं जो भी कुछ कर पाया हूं वह जीवन भर बेहद मुसीबतें सहन करके विरोधियों से टक्कर लेने के बाद ही कर पाया हूं। जिस कारवा को आप यहां देख रहे हैं, मैं अनेक कठिनाइयों से यहां तक लाया हूं, अनेक अवरोध इसके मार्ग में आ सकते हैं, इसके बावजूद इस कारवा को आगे बढ़ाते रहना। अगर मेरे अनुयायी इसे आगे ले जाने में असमर्थ रहे तो इसे यहीं पर छोड़ देना चाहिए जहां पर अब है, परंतु किसी भी परिस्थिति में इसे पीछे नहीं हटने देना चाहिए। ये जो बाद की लाइन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, दोबारा मैं रिपीट करता हूं इसको। बाबा साहब ने कहा था कि जो मेरा कारवा है वो किसी भी कीमत पर किसी भी परिस्थिति में इसे पीछे नहीं हटने देना चाहिए। अगर हम देखें 70 साल में जो बाबा साहब ने हमें दिया, हमने उसमें क्या बढ़ाया और क्या घटाया, अगर इसकी कैलकुलेट करते हैं तो सीधा सीधा है कि हम अपना सब कुछ गंवाने के लिए तैयार हैं और हमारा बहुत कुछ जा चुका है। जो बाबा साहब का संदेश था, जो बाबा साहब की आज्ञा थी, जो बाबा साहब का हमारे लिए एक संदेश था कि भाई जो मैं आपको कारवाई देकर जा रहा हूं, जिस स्थिति में आपको छोड़कर जा रहा हूं, उसे कभी पीछे मत हटने देना, लेकिन हमने वो सब गंवा दिया। और उसका जो कारण हुआ वो कारण था हमारा जातियों में बढ़ जाना, क्योंकि बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए थे, उनमें जो जो इम्पोर्टेंट था वो था संगठित रहना, लेकिन हम उसको पूरा नहीं कर पाए और ना ही हम संगठित रह पाए। सबसे पहले तो जो बाबा साहब ने हमें संविधान में 4 पोर्टलियों में हमको बांध कर गए थे, SC ST OBC माइनॉरिटी, हमने उसको खोल दिया और फिर दोबारा से वो 6,747 जातियों में हम लोग बट गए, जिसके परिणाम स्वरूप हमने अपने 29 लाख संगठन खड़े कर लिए। एक तो कोड़ ऊपर से खाज ये हमने काम किया, और जिसका लाभ जिन्हें हम अपने अपोजिट कहते हैं, बमन कहते हैं, जो लोग वो चाहते थे वही हमने अपने हाथ से कर दिया, और धीरे धीरे करके हमने सारे अपने अधिकार गंवा दिए। ना ही तो हम अपनी नौकरी बचा पाए, ना ही हम अपनी बहन बेटियों की आबरू बचा पाए, ना ही हम अपना मान सम्मान बचा पाए, जिसके परिणाम स्वरूप आए दिन हमारे लोगों पर लोगों की हत्या, मर्डर, बहन बेटी के साथ अच्छे बुरे काम, ये सब होते जा रहे हैं, और उसका कारण है हमारी आपसी फूट और हमारा संगठनों में बट जाना। ये बहुत ही नुकसानदायक सिद्ध हुआ। हमारे डेली मीटिंग में हमारे बहुत सारे स्पोक्स भी हैं, हमारे बहुत सारे बुजुर्ग जुड़ते भी हैं, वो सभी लोग मेहनत से काम भी कर रहे हैं, वो लगे हुए भी हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं, चूंकि वो उन्होंने अपने जीवन के 70 साल अपने बिताए हैं, उनको बहुत अनुभव है, वो जानते हैं कि हमने क्या घटाया क्या बढ़ाया है। बाबा साहब ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़े त्याग के साथ अपना सब कुछ गंवा कर, अपना सब कुछ त्याग कर, बीवी बच्चे ऐशो आराम सब कुछ गंवा कर हमें ये इस स्थिति पर पहुंचाया, लेकिन हम उसको बचा नहीं पाए। इसी को बचाने के लिए विदा पीपल का जन्म हुआ, समण संघ का जन्म हुआ,
हालांकि समण संघ तो हमारा पुरातन है, प्राचीन है, जो पुरखों के समय से चला आ रहा है, इसको अब दोबारा से जीवंत किया जा रहा है। इसमें जो मेन काम है, लोगों को जोड़ना है, इकट्ठा करना है। जो इसकी थीम है हमारी, वो थीम है इकट्ठा करना, इकट्ठा होना। क्योंकि जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे, एकत्र नहीं होंगे, तब तक हम अपने कोई भी अधिकार, कोई भी अपने मान सम्मान की इस तरह को हम बचा नहीं पाएंगे। इस इकट्ठा होने की कड़ी में, लोगों को जोड़ने की कड़ी में, बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि हमें जोड़ना कैसे है। किसी भी माध्यम से, चाहे वो व्हाट्सएप का माध्यम हो, चाहे वीडियो का माध्यम हो, हमारे साथी के द्वारा दिया गया लिंक हो, उसके माध्यम से हम मीटिंग में जुड़ते हैं। और मीटिंग में जुड़ने के बाद हम अपना परिचय देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि परिचय में ज़्यादा समय मत बिताओ, और परिचय तो बेकार है। लेकिन मैं उन सभी साथियों को बता देना चाहता हूँ, परिचय इसका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि जो भी निकलता है वो परिचय के द्वारा ही निकलता है। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, अभी बहुत सारे लोगों के परिचय हुए हैं, उन्हें हम परिचय के द्वारा ही जान पाए हैं कि भाई कौन आदमी कहाँ का है। हमारा एक भाई छत्तीसगढ़ में है, हमारा एक भाई झारखंड में है, एक उत्तराखंड में है, मुंबई में है, लेकिन वो सब हैं। जब तक परिचय नहीं था तो हम भी नहीं जानते थे, लेकिन आज लाखों लोगों को हम जानते हैं। वो हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं। जो दर्द उनका था वही दर्द हमारा है। वो सभी लोग आज इकट्ठा हुए, वो सब माध्यम था परिचय का। क्योंकि जब तक हम परिचय नहीं लेंगे, एक दूसरे से परिचय नहीं करेंगे, तब तक हम एक दूसरे को नहीं जान पाएंगे और ना ही हम जोड़ पाएंगे। तो परिचय हमारा बहुत इम्पोर्टेंट काम है, और वो हमारा 8 बजे से 9 बजे तक परिचय कार्य चलता है। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप जो है 200, 300 लोग, 400 लोग, 500 लोग इस पर जूम पर जुड़ते हैं, तो आप पूरा देश कैसे इकट्ठा हो जाएंगे? तो मैं उन साथियों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जो यहाँ जूम पर 300, 400, 500 लोग देख रहे हैं, ये 300, 400, 500 लोग नहीं है, ये पूरा देश है। यहाँ पूरा देश जुड़ता है, और जिन जिन स्टेटों से लोग जुड़ते हैं, सभी साथी जुड़ रहे हैं, वहाँ पर सभी स्टेटों में बहुत अच्छी तरह से कार्य चल रहा है जोड़ने जुड़ने का। आज 18 स्टेट में हम पूरी तरह से अपना संघ को बढ़ा पाए हैं, और बहुत अच्छी तरह से कार्य चल रहा है। जिसके साथ साथ 6 हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो देश भी, NRI भी हैं, जो जुड़ चुके हैं, वहाँ भी काम चल रहा है। तो ये भी कहना गलत होगा कि अभी यहाँ 300-400 लोग जुड़ते हैं। ये 300-400 नहीं है, ये पूरा देश जुड़ा हुआ है। यहाँ तो केवल ट्रेनिंग दी जाती है, ये तो आपकी कार्यशाला है, कैसे जुड़ना है, कैसे सीखना है, कैसे लोगों में इसको फैलाना है। जुड़ने के बाद जब हम कंसेप्ट को समझ जाते हैं, तो सीधे सीधे जो लोग कंसेप्ट को समझ गए या विचारधारा को समझ गए समण संघ की, वो एक घोषणा करते हैं कि भाई मैं अब जो है इसके कंसेप्ट को समझ चुका हूँ, विचारधारा से जुड़ चुका हूँ, मैं भी इसमें काम करना चाहता हूँ और मुझे स्पोक बनाया जाए। क्योंकि इसमें एक प्रमोशन है स्पोक का, उसके बाद कोई प्रमोशन नहीं है। और स्पोक का काम है अपने महापुरुषों की विचारधारा, वी द पीपल के कॉन्सेप्ट को बताना, वी द पीपल के कॉन्सेप्ट से लोगों को जोड़ना, एक सीधा सा काम है। जुड़ेंगे कैसे? सबसे पहले हम स्वयं जुड़ेंगे, उसके बाद अपने परिवार को जोड़ेंगे, पड़ोसियों को जोड़ेंगे, अपने रिश्तेदारों को जोड़ेंगे, अपने मित्रों को जोड़ेंगे, जहां हम सर्विस करते हैं, या हम जॉब करते हैं, या हम अपना रोजगार करते हैं, वहां के लोगों को जोड़ेंगे। तो इसी तरह से हम लोग जुड़ते चले जाएंगे। एक और फार्मूला है जुड़ने का, 1+10 का। अगर मैं जुड़ूंगा, मैं इससे जुड़ा हूं, तो 10 लोगों को मैं जोड़ूंगा। तो एक यानी कि 1+10 11 हो गए, वो 11 लोग फिर 10-10 को जोड़ेंगे। तो इसी तरह से कड़ी आगे बढ़ती चली जाएगी, और ये सभी के लिए अनिवार्य है। सभी लोग ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, और सभी लोग जोड़ रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि आज लगभग हमारे 800 स्पोक के करीब बन गए हैं, जिसमें से लगभग 450 स्पोक हमारे सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, और बाकी जो है वो भी सभी काम कर रहे हैं। वी द पीपल में एक जो बहुत खूबसूरत बात है, यहाँ बिल्कुल जीरो निवेश पर काम होता है।
बिना किसी खर्चे के शून्य निवेश पर। अगर ये कहें कि भाई आप तो 300 रुपये ले रहे हैं मीटिंग के, तो वो उसके लिए हम बता दूं, वो हम अपना खर्चा कर रहे हैं, कोई नहीं लेता किसका पैसा। अगर मैं जाऊंगा तो वहां खाना खाऊंगा तो मुझे खाने के पैसे देने पड़ेंगे, मैं अच्छे गद्दे पर बैठूंगा या दरी पर बैठूंगा तो मुझे उसके भी देने पड़ेंगे। तो हम अपना खर्चा उठाते हैं, ना कि किसको पैसे देते। कोई चंदा नहीं है, कोई रसीद नहीं है, कोई सदस्यता शुल्क नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति चंदा लेता है, सदस्यता शुल्क लेता है या किसी तरह के पैसे की उगाही करता है, तो तुरंत उसके खिलाफ आप रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, उसको बंद करा सकते हैं। विदा पीपल समाज संघ किसी भी सक्रिय राजनीति में कभी भी भाग नहीं लेगा। अगर कोई राजनीति करना चाहता है तो संघ से बाहर वो राजनीति कर सकता है, यहां से अलग जाकर राजनीति कर सकता है, छूट है उसको। समर्थ संघ कभी भी किसी जातिवाद, व्यक्तिवाद, ऊंच नीच या किसी भी प्रकार के भेदभाव में कोई स्थान इसमें नहीं है। यहाँ सभी लोग समान हैं, चाहे वो पुरुष है चाहे स्त्री है, किसी भी जाति का है, कोई ऊंच नीच नहीं है। समर्थ संघ में संघ के निर्णय भी वो अंतिम है, यानी कि जो संघ के निर्णय यहाँ होते हैं, हाउस लगता है, जो भी निर्णय होंगे सभी के लिए मान्य होंगे, वो किसी एक पर लागू नहीं होते, वो सभी पर लागू हैं। समर्थ संघ का कोई नेता, अध्यक्ष, संस्थापक, निर्माता या संचालक, पदाधिकारी या अगुवा या कार्यकर्ता कोई भी नहीं है। यहाँ सभी लोग समान हैं और सभी लोग की समान भागीदारी है। जैसे मैं काम करता हूँ वैसे आप काम करेंगे, ऐसे सभी लोग यहाँ काम करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, कोई भेदभाव नहीं है बिल्कुल भी, कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो सभी की बिल्कुल सभी की समानता है। समर्थ संघ का एकमात्र नेता बाबा साहब का जो हमारा प्रमाणिक दस्तावेज है वो है संविधान, उसी के नियमों पर समर्थ संघ चलता है, विदा पीपल चलता है। विदा पीपल समर्थ संघ में प्रथम और अंतिम सिर्फ एक प्रमोशन जो मैंने बताया था वो है केवल स्पोक का, उसके बाद कोई प्रमोशन नहीं है। अगला जो है हमारा समर्थ संघ में जो हमारी मीटिंग लगती है 5 मई से, लगातार 5 मई 2021 से लगातार निर्बाध रूप से हमारे जूम पर मीटिंग लगाई जाती है, 8 से 10, अब 8 से 11 चली जाती है। तो जैसी जैसी संख्या बढ़ती है वैसे वैसे हम इसको घटा बढ़ा लेते हैं। इसके अलावा सैकड़ों हमारी फिजिकल मीटिंग्स भी लग चुकी हैं और आगामी मीटिंग भी हमारी प्रस्तावित है, जिस पर जैसे कि आपकी 27 फरवरी की हमारी अभी हुई है, मार्च में 6 मार्च की है और 12 मार्च है, 13 मार्च की है, 13 मार्च आपकी लुधियाना में है, 13 मार्च की आपकी बहादुरगढ़ में है, अब 2 अप्रैल की बहुत बड़ी मीटिंग नागपुर में है, उसके अलावा फिर मई में भी अपनी मीटिंग है, 1000 स्पोक्स की मीटिंग अपनी प्रस्तावित है दिल्ली में, जिसके लिए सभी लोग बिल्कुल जी जान से जुटे हुए हैं और सभी लोग काम कर रहे हैं। तो जो हमारे मीटिंग्स है वो भी लगी हुई हैं। मीटिंग्स में एक बहुत अच्छी बात है, वहाँ खाने की जो व्यवस्था होती है उसमें सभी लोग अपना खाना लेकर आते हैं, जो फिजिकल मीटिंग होती है सभी लोग खाना लेकर आते हैं, सभी का खाना इकट्ठा होता है और जब मीटिंग खत्म होती है उसका लंच होता है, तो उसमें सभी लोग उसको वितरण करके उसे बड़े अच्छे तरह से फिर खाते हैं। वहाँ उसके 2 फायदे हैं, एक तो कोई भेदभाव नहीं होता और जिसका जो खाना है वो प्रसाद का काम करता है। फिर तो मेरा जो सभी लोगों से कहना है कि भाई जो हमारा जो समर्थ संघ है इसमें सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े, सभी लोग अपने अपना योगदान दे। जो हमारा समर्थ संघ है उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भी प्रस्तुत की जाती है, जो प्रत्येक पखवाड़े को 15 दिन के बाद की जाती है, जिसमें पूरे 15 दिन का कि भाई कितने स्पोक बने, कितने जुड़े और कितने एक्टिव हैं, कितने इनएक्टिव हैं। इसके अलावा समर्थ संघ को आगे बढ़ाने के लिए इसके घटक दल भी हम बन चुके हैं, जिनमें एडवोकेट समर्थ संघ है, डॉक्टर्स का समर्थ संघ है जो कि अपनी ओपीडी भी चलाते हैं और सेवा भी दे रहे हैं,
संगति समर्थ संघ है, महिला समर्थ संघ है, अंतर्राष्ट्रीय समर्थ संघ है, और शिक्षक समर्थ संघ है, सरकारी कर्मचारियों को समर्थ संघ है, महाराष्ट्र समर्थ संघ अभी बना है। इन सभी का काम है समर्थ संघ को आगे बढ़ाना और निरंतर उसको और उन्नति की ओर अग्रसर करना। आप सभी लोग जो भी हमारे स्पोक हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि जितने भी अपने साथी हैं जिनको आप इंट्रोडक्शन के लिए लेकर आते हैं उन सभी से आप इंट्रोडक्शन के बाद फोन पर भी बात करें, ताकि जो डाउट्स होते हैं जैसे कि अभी बताया तिलकराज जी ने, जो किसी के डाउट्स हैं उसको हम निकाल दें और अच्छी तरह से उनको फिर जो है वो कंसेप्ट और विचारधारा से जोड़ सकें। सभी लोग अधिक से अधिक इसमें मेहनत करें और जी जान से काम करें, क्योंकि ये आखिरी मौका है। अगर हम अब नहीं तो कभी नहीं, अगर हम अब नहीं जुड़ पाए तो कभी भी नहीं जुड़ पाएंगे, और ना ही हम अपने अधिकारों को बचा पाएंगे, ना ही हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे, ना ही हम आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रख पाएंगे, ना ही हमारे को अधिकार बचेंगे। जो कुछ चला गया, कुछ जाने के लिए तैयार है, वो भी हमारा चला जाएगा, इसलिए जुड़ना बहुत जरूरी है। यहाँ सभी लोग जुड़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप सभी जुड़ें, अधिक से अधिक जुड़ेंगे। जो हमारा स्लोगन है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे, जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। अगर हम पंजाब में जुड़ेंगे तो पंजाब में जीत जाएंगे, राजस्थान में जुड़ेंगे तो राजस्थान में जीत जाएंगे, उत्तर प्रदेश में जुड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश में जीत जाएंगे, पूरे देश में जुड़ेंगे तो पूरे देश को जीत लेंगे। जुड़ने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसलिए सभी लोग जुड़ें, मेहनत करें, इसमें इसको आगे बढ़ाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत 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 शानदार, साधुवाद, साधु, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत साधुवाद जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका, थैंक यू सर, थैंक यू सभी का धन्यवाद, साधु साधु सर, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बी एस आजा सर जी, सर आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। शरणं गच्छामि।
Sangam Sarnam Garchami.